हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शेष सुफियान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं थोड़ा बिजी था। जैसे कि आप मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या होने वाला है, मैं सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये मैंने बताया था आप लोगों से। तो नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था स्क्वायर यार्ड कंपनी। थोड़ा कंपनी के बारे में आपको इंट्रो कर दूँ। स्क्वायर यार्ड कंपनी है, रियल स्टेट की कंपनी है और वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 3 राउंड हुआ, 3 राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट भी हो गया। फर्स्ट एचआर राउंड था, सेकंड वीपी का राउंड था, वाइस प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया, थर्ड मैनेजर ने इंटरव्यू लिया था, जो एक्चुअली टीम मैनेजर टीम लीडर जो बोलते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में मैं सेलेक्ट भी हो गया। उसके बाद इन लोग का एज यूजल लोग जो प्रोसेस होते हैं, जॉइनिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। तो उधर भी वही चीज़ आ गई थी, उन्होंने पूछे कि आपकी लास्ट सैलरी की स्लिप कुछ है। मेरे साहब सब बोल दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं क्योंकि जब आपने कॉल किया था मैंने तभी आपको सब इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे पास कुछ भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट एविडेंस कुछ भी नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, तो उन्होंने मेरा जॉइनिंग कराया, डॉक्यूमेंट्स लिए, मुझे ऑफर लेटर आ गया। फिर अगले दिन मैं जॉइनिंग के लिए भी चला गया। फर्स्ट डे मेरी ट्रेनिंग थी, वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने तो समझा कि एक्चुअली जॉब क्या है, मैं सेलेक्ट किस पोजीशन के लिए हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप आरएम के लिए सेलेक्ट हो गए, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। अभी नाम सुनने के लिए कितना बड़ा लगता है कि रिलेशनशिप मैनेजर, लेकिन आप वक्त बताऊँगा तो बोलेगा कि रिलेशनशिप मैनेजर को भी ये करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, स्टार्टिंग में सब कुछ करना पड़ता है। मेरा रोल फील्ड पर था, मुझे फील्ड पे स्क्वायर यार्ड्स की कंपनी के जो ऐप्स होते हैं उसको प्रमोट करना था ब्रोकर्स लोगों के पास, ताकि ब्रोकर्स वो ऐप में से उनको जो रिक्वायरमेंट है फ्लैट की, रेंट की, शॉप की, जो भी रिक्वायरमेंट है उससे मिल जाए। क्योंकि एज अ लोकल ब्रोकर जो होते हैं उन्हें 2% प्रॉफिट होता है एक डील क्रैक करने पर उनके पर्सनल, लेकिन अगर आप स्क्वायर यार्ड से क्रैक करोगे तो आपको 5% का प्रॉफिट होता है। तो ये बेनिफिट था वो ऐप में। मसला ये था कि सुबह 9:30 से 6 बजे तक की ड्यूटी थी। जैसे कि मैं रहता हूँ जिधर, मुझे वो लोकेशन ही दे दिए थे, लेकिन मुझे एवरी मॉर्निंग सुबह 9:30 को पहला टीम लीडर को मिलना था जाके एक चेंबूर में। फिर चेंबूर से मिलने के बाद मुझे अपने लोकेशन पे आके मुझे फिर वो सब ब्रोकर्स को डील के सबको प्रमोट करना था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और लोग जो मुझे सैलरी दे रहे थे उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस था नहीं, पेट्रोल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब सैलरी में था और सैलरी बहुत कम थी। समझ लो 2.5 CTC का मुझे पैकेज दिए थे और सैलरी आ रही थी 18,000 समथिंग आ रही थी, उसमें पेट्रोल भी इंक्लूड था, सब कुछ था, तो यहाँ तक तो ठीक था। फिर जो वीपी जो मेरे जो ट्रेनिंग के लिए आया था उसे तो हम लोग को पहला बहुत डरा दिया कि मैं बैठे बैठे किसको खिलाऊंगा नहीं, जो मुझे लीड ला के देगा नहीं, मैं उसे बैठे बैठे सैलरी दूंगा नहीं, जो भी सैलरी रहेगी उसको कट के मिलेगी, चाहे वो आधी हो, कुछ भी हो, तो कुछ भी नहीं मिल सकती। तो उसने तो बहुत डराया, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हूँ, एंड पला 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 बला बला तो बोल दिया। और मेरा फार्म हाउस है, मेरा हाउसेज है, मैं बोला अरे बंदे जब तेरे पास ये सब कुछ है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके घोड़ा चला यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे इतना अगर मेरा ऐसा कुछ रहता तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना काम करता, मैं तो घूमता हूँ, मैं ऐश करता, क्या वो किसी की गधा मजदूरी करूँ। तो बात ये थी। फिर जब मुझे लोगों ने डरा दिए कि तुमको पर डे में लीड लानी है दो, अगर दो लाना पॉसिबल नहीं है, मैं अभी तक मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, 4-5 दिन और लगेगा जब तक मैं सोचूंगा मुझे करना है कि नहीं करना है, इस मुद्दे अभी तक कभी आया नहीं मैं। तो बताना ये मकसद ये था कि जॉब मिलना ऐसा मुश्किल होता है, पहले तो मिलता नहीं और मिलता है तो बहुत टफ मिलता है, जो अपने को करवड़ता नहीं, करने वाले कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कर लिए। कुछ स्टूडेंट तो उसी दिन ही भाग गए, कुछ दिन ट्रेनिंग लेने के बाद भाग गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भाग गए। तो आज की तारीख में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों के पास कोई जॉब है तो मुझसे शेयर करो, मेरे पास कोई जॉब रहेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक न्यूज़ आप लोगों से और शेयर करनी थी कि मोहम्मद रज़ा खान नाम का एक बच्चा है, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, उसके मुँह पर कुछ ट्यूमर जैसा कुछ आ गया है, मॉर्निंग सुबह 7 को उसको एडमिट करना है, 8:30 को उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएगा अल्लाह ने चाहा।
इसके जो मम्मी डैडी है इतने अफोर्डेबल नहीं है, तो आप लोग इसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ भी जो मेरे चैनल को कितने मिनिमम 8-10 लोग देखते हैं उसमें से मोस्टली तो मेरा भांजा देखता है, मेरे जो नज़दीकी है वही देखते हैं। अगर बाहर वालों तक ये वीडियो पहुँचता है तो मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स पे, बताओ, मैं आपको अपना UPI ID दूंगा। तो 100 रुपया है ना, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, ये एक रकम है, तो वो लगती है वो छोटी, लेकिन ये छोटी नहीं होती है। अगर किसी ने 10 रुपया भी दिया ना, 10 रुपया, और 100 लोगों ने दिया, तो वो 1000 रुपया बन जाता है। किसी ने 100 रुपया दिया और सिर्फ 100 लोगों ने दिया, तो 10000 रुपया बन जाता है, समझ रहे। और कोई 1000 रुपया दिया और आज 1000 रुपया देना तो बोले मामूली बात है, आदमी मैकडोनल्ड KFC ना फुला फुला होटल में जाके तो उड़ा ही देता है। अगर किसी ने 1000 रुपीज़ की हेल्प की और 100 बंदे ने दिया 1000 रुपीज़, तो उसका तो 100 × 1000 कितना था, 1 lakh rupees खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर का तो बजट भी इतना नहीं है, उसने 50 to 70K अप्रोक्सीमेटली बताया है कि इतना बजट जा सकता है। बहुत लोगों ने मदद भी की अल्हम्दुलिल्लाह, 30-40,000 रुपये जमा भी हो गया है। सुबह मॉर्निंग ऑपरेशन है, लेकिन अभी तक कुछ अमाउंट की रिमेनिंग पेंडिंग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है तो इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। आप भी हेल्प मांगोगे तो जो हेल्प एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तो जीना आसान हो जाएगा, परेशानियाँ झेलना आसान हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है। हेल्थ इशू तो किसको नहीं होता, फिटनेस वाले को भी होता है और अनफिटनेस वालों को भी हेल्थ इशू होता ही है। कब कौन सी चीज़ ख़राब हो जाए बोल के नहीं होती। तो आज आप हमारी हेल्प करोगे तो कल हम आपकी हेल्प करेंगे, तो कल कोई और किसी की हेल्प करेगा। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए हेल्प का, ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए हिंदू मुस्लिम, अरे बस करो, मदद करो, ये छोड़ दो, समझ रहे हो। वोट देते हो, अभी आजकल तो जॉब के लिए कोई वोट देता ही नहीं है, रोजी कपड़ा मकान के लिए, क्या तो बोले मुसलमानों को भगाओ और इसके लिए वोट दिया जाता है। तो ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये खाली बस आपस में लड़ा के भागने वालों में से लोग हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, मैं भी वीडियोस देखता हूँ बहुत लोगों के, फ़ौरन सब्सक्राइब करता हूँ, अपने एक सब्सक्राइब से उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और क्या चाहिए। किसी को हंसाना कितना बड़ा स्वभाव है, किसी को खुशी देना बहुत बड़ा स्वभाव है। बस आप सभी से लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह सारी सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को, बलाओं को, आफतों को दूर करें, सबको आफियत के साथ दुनिया में रखे, बस ये चाहिए। सुकून बहुत बड़ी नेमत है जो पैसे से नहीं मिलती है, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इन न्यूज़ को सीरियस लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मत बताना, तो मुझे मालूम है वीडियो ख़राब ही लगी, अगर अच्छी लगी होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। बट डोंट माइंड, मेरा काम है बनाना, आप लोगों का काम है देखना, रिजेक्ट करना, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। सो नेक्स्ट वीडियो के बाद फिर मिलता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी खुद जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद वीडियोस आती जा रही है। मैं क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। पहले मैं कंटिन्यूटी में डालता था, वैसे रिस्पॉन्स आता था एटलीस्ट 30 व्यूज़, और आ जाते 7 व्यूज़। बहुत डिफरेंस है, ये डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर तक पहुँचा दिए हो, कहाँ से कहाँ माशाल्लाह पहुँच गए, मुझे भी पहुँचा दूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की बात आगे तक पहुँचाऊँगा। सो अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी अब्बा का ख्याल रखो, और खुश रहो, सेफ रहो, प्रिकॉशंस लो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, चाहे कोरोना हो चाहे नहीं हो, समझ रहे हो। कोरोना नहीं हो तो भी अपने को अपनी प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ, जल्द से जल्द मिलता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कंटिन्यूशन में वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए आदाब।